हेलो वसीम सर, फारिस कादरी बात कर रही हूँ। हेलो फारिस कादरी बोल रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए जी। मैं ये बोल रहा था सर कि आप जो है ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। जी जी। तो मैं सर सिंपल सा एक नॉर्मल सा ये क्वेश्चन था मेरा सर कि आप जो है कौन सी पार्टी की ताइद में बने थे चेयरमैन? जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे आप, राइट? तब कौन सी पार्टी की ताइद में बने थे सर? कौन सी पार्टी सपोर्ट करी थी आपको उस टाइम पे चेयरमैन बनने में? देखिए, चेयरमैन बनने में पार्टी का सपोर्ट नहीं होता, वो इलेक्शन होता है। और मैं जब बहुजन समाज पार्टी थी तब भी मैं चेयरमैन था, जब समाजवादी पार्टी थी तब भी मैं चेयरमैन था, और उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ है तब भी मैं चुनाव जीता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई तो सपोर्ट में होंगे ना आपके? पॉलिटिकल पार्टी कोई सपोर्ट में चुनाव में नहीं होती। नहीं तो नहीं, नहीं चीज में जो आप ये जो सब चल रहा है आपका जबरदस्त हंगामा जी, तो उसके अंदर में कोई ना कोई पार्टी तो सपोर्ट करेगी। पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। पॉलिटिकल इशू ही है तरह है सर, बिना पॉलिटिकल इशू से कोई भी इशू होता नहीं। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये प्योर इस्लामिक इशू है। अच्छा, तो मैं ये नॉर्मल सा ये पूछना चाह रहा था कि अभी हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी से लोग मर रहे, महंगाई कर रहे जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा, पेट्रोल प्राइस, राशन, हर मुद्दों पे, और फिर आप ये बकेड़ा लेके खड़े हो गए सर इसके अंदर में। पूरा अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो अलग इशू नहीं। पैसा हमारे देश में भी सिंपल सा यही एजेंट से चल रहा है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, पब्लिक को कुछ ना कुछ चीज में डिवाइड करते रहो। हिंदू इससे हिंदू मुसलमान का क्या मतलब हुआ? कुरान के ऊपर इशू है, उसमें हिंदुओं से क्या मतलब है? अरे आप जिस हिसाब से फसादात वाले काम कर रहे हैं, आप कोई आओ डिबेट विबेट करो बेटिया से, कोई बगाना वगैरह उससे इस्लाम में बस रहता है इसमें बकेड़ा करके, कोई मतलब कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं किसी का भी। आपको खुद को भी मालूम है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले वो रिजेक्ट होना ही था, लेकिन आपने पब्लिसिटी स्टंट, और आपको पब्लिसिटी होना था ताकि आपको बीजेपी सपोर्ट करते रहे, ये सब के लिए आपने सब करे, वो तो सबको दिख रहा है। खैर, वो आप लोगों को कुछ भी दिखे, आपकी आंखें, आप कुछ देखिए उससे आंखें वाखे नहीं सर। इसमें सिंपल सा आप एक मेरे को बताइए, आप इसमें बेनिफिट कुछ हुआ है आपकी वजह से? बेनिफिट तौर पे बेनिफिट ये हो रहा है कि असलियत खुल के सामने आ रही है। किस चीज की असलियत? इस्लाम में जो जिस तरह से ये खल्फिशार पैदा था 1400 साल पहले किया गया था सर, वो तो देखो अपने सबसे पहली बात तो आप इस्लाम और ये बात मत करो, तो सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सबके अपने 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 एक वो रहते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट रहती है। आप क्या करें इस्लाम मुसलमानों को एक जो है टारगेट कर लेके, एक फेमस होके पब्लिसिटी स्टंट मेन मुद्दों पे, अगर वाकई में आपको हिंदुस्तान और हमारे नागरिक की और पूरे इंडिया पूरी दुनिया की फिक्र रहती ना, तो आप जो है ना इतना ही जो काम करें ना इसके तो जो चीज ये गलत है जो गलत है उसको गलत ना कहें, मतलब 1400 साल एक बात बताओ मेरे को, हमारे मुसलमान की इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, इसके अंदर में कितने फिरके और कितने इसके अंदर में डिफरेंस? चाहे कितने भी हो, कुरान तो एक ही है ना। अच्छा, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है ना, साथ सुन्नी जो कुरान तो एक है, कुरान में ना साहब तो ठीक है, जब कुरान में बुनियादी गलतियां हैं तो वो तो सभी के लिए। कुरान में बुनियादी गलतियां, देखो फिर ये अपन कैसा धार्मिक बात हो रही है, इससे ऐसा कैसा है कि कोई भी धर्म को टारगेट कर लो फेमस गलती हो जाती है, इंडिया का ही ट्रेंड चल रहा है अभी। तो मेरे ये बोल रहा था कुछ बेनिफिट हुआ सर आपको इससे? नहीं, बेनिफिट मालूम है, कम से कम बेनिफिट ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि कम से कम इस बात के ऊपर ओपन डिबेट तो हो रही है कि कुरान के अंदर छुपा क्या क्या है। कुरान के अंदर में छुपा क्या क्या है इस बात पर ओपन डिबेट तो हो रही है कि मुसलमान आज ये कुरान की तालीम हासिल करके ऊपर में मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि इसके अंदर में आपका काम है कि कोई मुस्लिम उल्मा जो रहते हैं करेगा, क्यों नहीं करते? दूसरा जैसा बोल रहा था सर मैं कि मुद्दा सिंपल सा कि अभी ये सब चीज करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, खराब होते रहते हैं, ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चला रहे ना, जो आप लोग बेकार है। आप जो वक्फ बोर्ड में थे आप वहाँ पे बिना बीजेपी खुल के बोल सकते,
जब ये किसी का एजेंडा नहीं है, ये जब आप लोगों की चोरी पकड़ी जाती है तो आप लोग कहते हैं क्या है साहब उसमें आप लोगों की चोरी हो रही है। कुरान के अंदर कुछ भी हाथ छुपा के रख के पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो बात उठा दी गई तो ये एजेंडा हो गया किसी का। अच्छा मैंने क्या पढ़ा मालूम है आपको? बचपन से मैंने तो ये देखा सर कि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया मेरे को कि अगर पानी भी बहता हुआ रहे ना, नल अगर खुला रहे ना, तो उसको पहले बंद कर दो। इस्लाम की तालीमात है। और मैं आपके माँ बाप की वाली इसीलिए माँ बाप की अच्छी तालीम थी, लेकिन गाली क्यों नहीं दे रहा हूँ वसीम रिजवी? आज आपको कोई भी गाली दे रहा, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरा इस्लाम ने सिखाया कि सबसे अदमन अच्छी बात करो कुफार से भी। इस्लाम ने यही सिखाया है, यही सिखाया है। कौन कर रहे हैं आपकी वजह से? और आप लोगों को फेमस होना है, आपको बीजेपी और आरएसएस अगर आपको पूरी दुनिया में आप लोग फैला रहे हो, मतलब पूरे जो मतलब इंडिया में जितने मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान है, सब आतंकवादी है। उसी में से तो है, उसी में से है, तो फिर दुनिया खत्म हो जाती। पांच मिनट लगता है सर बर्बाद होने में, 30 करोड़ दुनिया को खत्म करने का ख्वाब तो आप लोग देख ही रहे हो। अरे पूरे लोग अगर जिहादी और आतंकवादी रहते तो आप भी अभी तक के जिंदा नहीं बचते। इस्लाम है जो आपको बचा रहे अभी तक के, समझे आप? अरे वाह, इस्लाम, ये इस्लामी है जिसमें देखो आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वहाँ कितना घपला करे आप, फ्रॉड करे, बीजेपी आ रहे से अपने आपको कितना बचाया, क्या क्या करे, खुल के आपको लोगों को बताना चाहिए ये चीजें। फालतू के स्टैंड ना करके किसी के भी धर्म के बारे में कुछ भी बोल देने का स्टैंड चल गया। बीजेपी और आरएसएस मेरी बात, आप किसी का धर्म नहीं है, मेरा खुद का धर्म है और मेरे धर्म में क्या गलत है मुझे बोलने का इख्तियार है, ठीक है? ऐसा तो सर बाकी चीजों पे भी बोलिए ना आप जो बीजेपी की चापलूसी करने वाले वालों की, तो यार मेन मुद्दों पे आप पढ़े लिखे है ना बहुत। नहीं भाई हम तो जाहिल हैं। हाँ जाहिल है आप, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा आपको कि जब हमारे देश के अंदर में सबसे पहले तो इंडिया देखना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या इस तरह से हालात चल रहे, किस तरीके से यहाँ पे वो एजेंडा चला रहे बीजेपी आरएसएस और ये छोटी मोटी एजेंडा नहीं चला रहे हैं, आप लोगों का प्रोपेगेंडा है कि एजेंडा चला रहे हैं। और जो लोग मर रहे हैं दिन उसका क्या, वो भी मुसलमान ही मर रहे हैं। कौन मर रहा है? अरे सर मूव लिंचिंग आए दिन होते रहता, आप कोई भी फर्जी उस पर लगा दीजिए इल्जाम के बाद। अगर आप अगर हक पे रहते, वाकई सच्चे रहते, तो आपका जो है ना अभी तक के कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्शन हो जाता था उसके ऊपर में। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल रिवोक रिजेक्ट कर दिया आपको पिटीशन जो भी आप अपलोड कर रहे थे सर। हाँ तो ठीक है, दोबारा रिव्यू डाला है क्योंकि आप जो है ना देश को इंडिया को बर्बाद करके खुद फेमस होके बीजेपी का सपोर्ट लेके अपने जो आपने फ्रॉड करे वक्फ बोर्ड में वो सब बचाने के लिए आप कर रहे हैं। अपनी जगह सब अपनी जगह, वो अपनी जगह इसलिए कि उसमें जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कब होगा? जब हमने अगर कुछ किया होगा तो सामने आएगा। बिल्कुल सर, आप ये कब तक चलेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप भी जो है ना चार दिन की जिंदगी है, अच्छा अच्छा काम करो जरा, ये सब फसादात वाले ये आतंकवादी वाले काम मत करो। आप जो कर रहे हो ना ये सब, ये बेकार है ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम को अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर में पूरी तालीम आपको अच्छी तरीके से नॉलेज पढ़ने के बाद ही बात करी। तो ये इस्लाम ही है जो आपको जो इतनी अच्छी तरह मैं लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ ना, मैंने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को मैं तू तड़ाके से बात करता हूँ और बरोबर तरीके से बात करता हूँ मैं जैसा वैसा। लेकिन आप जैसे जो जाहिलों को है ना सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि है ना कुफार को भी जो काफिर रहता है ना उसको भी अदब से बात करके समझाने की कोशिश करी जाती है, इस्लाम सिखाता। बस सबको इस्लाम में दाखिल कर लीजिए और आतंकवादी बना दीजिए, ठीक है? आतंकवादी आपसे बड़ा आतंकवादी को यही